सर सर यही एक हैशटैग भी लगा हुआ था, लोगों ने बड़ा एक कंसर्न पूछा था कि हमने फीस ऑनलाइन पढ़ने के लिए नहीं दी थी। ये तो बड़ा रिएक्शनरी था उस टाइम पे। वो ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपकी कम हो चुकी है, ओवरऑल कम हो चुकी है, तो हमें भी कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, फीसेस या तो वेव किए जाए सेमेस्टर में या एटलीस्ट उसको कम किया जाए। तो ये आपका एक चीज है कि अगर हम ऑनलाइन की तरफ जाते हैं तो शायद आगे जो बर्डन है डिग्रीज की फीस का, वो कॉस्ट पेरेंट्स के लिए कम हो जाएगी। मतलब दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे, इकरा ऑनलाइन भी डिग्री ऑफर कर रही होगी, ऑफलाइन भी, ऐसे ही होगा सर? ऑफलाइन का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि कोरोना जाने वाला तो नहीं है, पता नहीं क्या होगा आगे। डेफिनेटली लेकिन ऑनलाइन पे फीसेस कम हो जाएंगी। डेफिनेटली ऑनलाइन में आपकी बिजली खर्च नहीं हो रही, एयर कंडीशन नहीं चल रहे, बच्चे का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, आप अपने घर से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में। हमारा टीचर जो है यहाँ से हैदराबाद नहीं पढ़ाने जाएगा, हैदराबाद का बच्चा यहाँ पे बैठ के पढ़ सकता है। हमारे पास स्टूडेंट बेस बढ़ जाएगा, वॉल्यूम्स होंगी, इकॉनमीज ऑफ स्केल होगा। हर तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन को एटलीस्ट 50% तो होना चाहिए ऑफ दी ऑन ग्राउंड कॉस्ट। अब ये हम कैसे अचीव करते हैं, ये अकाउंटेंट्स को मैंने लगाया हुआ है, बाकी लोगों को लगाया हुआ है, एग्जिस्टिंग इंशाल्लाह बच्चों अचीव को कर ही लेंगे। इससे बेनिफिट मिलेगा इस पॉलिसी से? जरूर एग्जिस्टिंग बच्चों को ही बेनिफिट मिलेगा इस पॉलिसी से? मिलना चाहिए, क्यों नहीं। बेनिफिट जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक बच्चे ऑनलाइन की तरफ देखेंगे नहीं। देखिए, दुनिया में ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सस्ती नहीं है, और उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन सस्ती हमें करनी होगी, बिकॉज ये चेंज इन कल्चर है। और दूसरा ये कि ये जो कॉस्ट बेनिफिट है, ये जब तक लोगों में ट्रांसफर नहीं होगा तब तक लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ये ठीक नहीं है, जायज नहीं है ये कि आप जो आपको बेनिफिट है वो अपने कस्टमर तक ना